करंट का मतलब कि जो लोग भ्रम फैलाकर, आपको भी तो पता है ना कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो भ्रम में बैठे हैं, सीएए से किसी नागरिकता नहीं जा रही है। तो जिन लोगों ने वहां भ्रम फैलाया है हम उनको करंट देना ही चाहते थे और अभी भी देना ही चाहते हैं। उन लोगों को करंट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि एक दिन उनकी उनकी जो ये भ्रम डाल करके राजनीति करने की जो नियत है वो दिल्ली के सामने अवश्य आएगी। अमित शाह जी ने कहा है कि जो जो शाहीन बाग के जो लोग हैं जो सीएए पे बात करना चाहते हैं, जो शाहीन बाग में बात करना चाहते हैं, उन चीजों के लिए मैं बिल्कुल खुले तौर से उनको बुलाता हूँ, लेकिन इनके एचएम के इन्विटेशन के बाद भी कोई अब सामने नहीं आ रहा है। देखिए एचएम का दिल बड़ा है, उनका मन साफ है। इसके पहले भी रविशंकर प्रसाद जी ने सरकार की तरफ से न्योता दिया बुलाने के लिए, कोई नहीं आया। तो आने वाला तो तब आएगा ना जब उसके उसका कोई अपना पक्ष हो। एचएम खुद बुला रहे हैं, ये बड़प्पन की निशानी है, लेकिन जो भ्रम फैला रहे हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अब दिल्ली धीरे धीरे, बेशक हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं लेकिन हमने दिल्ली का दिल तो जीता है। और एचएम का आज भी कहना कि भाई किसी को भ्रम हो तो आओ हम बैठने को तैयार है, ऑफिस में समय लेके आ जाओ, तो कोई आ नहीं रहा है। यही बता रहा है कि चुनाव जीतने के लिए लोग बहुत सारे हथकंडे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और उसी आधार पर आगे बढ़। सर एक आखिरी सवाल की, जिस तरीके से आपने अभी समीक्षा की, समीक्षा विस्तारकों से बातचीत, क्या कुछ निकलकर सामने आपको दिखाई दे रहा है कि आखिर जो हार का कारण है क्या कुछ समझाया अभी तक? ये सब हम आपको थोड़ी बताएंगे, हमारी अपनी समीक्षा है, उसका निचोड़ आपको और आपको आपको देखिए हम निचोड़ भैया मीडिया से थोड़ी बताया जाता है। हाँ चूंकि हम लोग आज ही से कोशिश कर लिए हैं कि अगले 5 साल बाद हम अपनी पॉजिटिविटी को दिल्ली को समझा के रहेंगे, इसलिए हमारी समीक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।